कोरोना वायरस के खतरे के बाद अब देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि अब तक के भारत में 4,85,000 पक्षी बर्ड फ्लू से मौत के शिकार हो गए हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी बनाई है, जहां पर आपको इसका मुख्यालय बता दें कि दिल्ली बनाया गया है। उसके चलते ये चार राज्य जो हैं उसके अंदर किसी भी तरीके से पक्षियों को खाने और इधर उधर ले जाने की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दी गई है और पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आइए डालते हैं इस बर्ड फ्लू के मंडराते हुए खतरे पर एक नजर। बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि चार राज्यों में केंद्र ने निगरानी के लिए बनाया कंट्रोल रूम। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को चार राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि की है। ये चार राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल है। समाचार एजेंसी के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज द्वारा इन राज्यों के नमूनों का परीक्षण किए जाने के बाद मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान में बारन, कोटन और झालावाड़ जिले में कौओं में बर्ड फ्लू पाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा जिलों में भी कौओं में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की सूचना है, जबकि केरल में कट्टायम और अलापूजा जिलों में पोल्ट्री बत्तख में इसकी सूचना है। मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2021 को राजस्थान में मध्य प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की गई थी ताकि संक्रमण को और अधिक फैलने से बचाया जा सके। केंद्र सरकार ने राज्यों से जानकारी लेने के दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत के राज्यों में मुर्गे के व्यापार पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। कई राज्यों ने बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन को नियंत्रित को लेकर चेतावनी जारी की है और मरे हुए पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे। वहीं केरल में मुर्गियों और बत्तखों को मारना शुरू कर दिया गया है। पड़ोसी राज्य की स्थिति को देखते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु ने निगरानी बढ़ा दी है और इसे लेकर जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।